और आज मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भुगतान करेंगे, जो फीडर 100% मीटर्ड होगा उसमें एक मिनट बिजली कटौती नहीं होगी, एक मिनट की नहीं होगी, घंटे की बात छोड़िए। प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में भारत सरकार से 20,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा हमने लेकर के बिजली दी यहाँ के लोग। मित्रों, ये व्यवस्था नहीं चल सकती। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग दे सकते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सेवाओं के लिए तो भुगतान करना होगा। अच्छे अच्छे गैजेट्स हम खरीद सकते हैं, फिर थोड़ी और देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में। हमारे अगल बगल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अगल बगल के प्रदेशों में देखिए, डेढ़ गुना दुगुना ज्यादा महंगी है बिजली, सबसे सस्ती बिजली हम दे रहे हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्रशासन के इस काम में आप सहयोग करिए। जो गरीब हैं, जो नहीं दे सकते, अगर समर्थ लोग, जो लोग दे सकते हैं, वो देना शुरू कर दें, तो मैं आज यहाँ से घोषित कर रहा हूँ, गरीब आदमी की बिजली की चिंता जम्मू कश्मीर प्रशासन कर लेगा। लेकिन जो दे सकते हैं वो तो दें। किसान जो मार्जिनल फार्मर है उसकी हम चिंता जरूर करेंगे, लेकिन साहब मकान हमारा 3 माले का, आईफोन 14 प्रो हमने रख लिया, डेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं 5G, और बिजली का बिल हम नहीं देंगे तो कैसे बिजली मिलेगी। मैं समझता हूं, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, और इसलिए मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस मामले में आप सहयोग करिए। और यकीनी तौर पर जनरेशन की क्षमता भी हम बढ़ा रहे हैं। 3450 मेगावाट बिजली 70 साल में यहाँ बनी थी, आने वाले 3-3.5 सालों में इतनी बिजली और बन जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी में बड़ा भारी इजाफा हमने किया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी आइए, 2 कदम आप चलिए, 4 कदम हम चलेंगे, ये हम आपको भरोसा दे रहे हैं। और निश्चित रूप से एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहाँ शांति हो, जहाँ सुख हो, जहाँ समृद्धि हो, ऐसा जम्मू कश्मीर हम सब मिल करके बनाएं।